मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के दौराहा के बुगली गांव में बारात के दौरान वर और वधु पक्ष के बीच विवाद हो गया। बताया गया कि यह विवाद शराब पीने को लेकर हुआ था। दरअसल बुगली गांव में 25 जून की रात बारात आई थी और इस दौरान शराब पीने को लेकर बाराती और वधु पक्ष के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि बारातियों ने कार से वधु पक्ष के लोगों को कुचलने का प्रयास भी किया, साथ ही मारपीट में 8 लोग घायल भी हो गए। इस घटना के बाद प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। बता दें कि दौलतपुर गांव पंचायत के मान्यसा गांव में शब्बीर बेलदार के बेटे की शादी थी। बता दें कि शब्बीर के बेटे का विवाह बुगली निवासी इजराइल बेलदार की बेटी से तय हुआ था और मंगलवार 25 जून की रात बारात गांव पहुंची। यहां वर पक्ष और वधु पक्ष के बीच वाद विवाद होने लगा। यह वाद विवाद थोड़ी ही देर में मारपीट में तब्दील हो गया। वर पक्ष और वधु पक्ष आपस में ही एक दूसरे पर पथराव शुरू कर दिए। तभी बारात में आए दोनों युवकों ने खुले मैदान में कार से वधु पक्ष के लोगों को कुचलने का प्रयास किया। कार से बचने के लिए वधु पक्ष के लोगों ने भी कार पर पथराव करना शुरू कर दिया। बता दें कि गाड़ी से कुचलने का प्रयास का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बताया गया कि बारात में आए युवक खुलेआम शराब पी रहे थे, जिस पर वधु पक्ष के लोगों ने रोक लगाई और वे उससे नाराज हो गए, जिससे वाद विवाद शुरू हो गयी। बता दें कि आपसी समझौते में यह बात नहीं सुलझी तो इस घटना की सूचना थाने में दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और इस वीडियो के आधार पर अज्ञात कार चालकों के खिलाफ मुकदमा दायर कर लिया।